हेलो इवन, तो आज की बात शुरू करने से पहले एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ अबाउट द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। साल था 2004, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के टफ टूर पर गई हुई थी। 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी, 3 टेस्ट मैच हो चुके थे। इन 3 टेस्ट मैचेस में सचिन तेंदुलकर के बल्ले से रन नहीं बन रहे थे। ऑलमोस्ट 80-85 के आसपास उन्होंने रन टोटल बनाए थे 3 टेस्ट मैचेस में। प्रॉब्लम क्या थी कि ऑफ साइड की बॉल्स पे वो आउट हो जा रहे थे। उस वक्त उस पूरे सीरीज में उनका वो वीक पॉइंट बन गया था, वो ऑफ साइड की बॉल को खेल ही नहीं पा रहे थे। फिर आता है चौथा टेस्ट। इस चौथे टेस्ट में सचिन तेंदुलकर ने डिसाइड किया कि फिलहाल ये मेरा वीक पॉइंट है। क्यों है डोंट नो, बट फिलहाल मुझसे ये नहीं हो रहा है। चौथे टेस्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ऑफ साइड की बॉल को टच नहीं करूंगा। ड्राइव माना तो बहुत दूर की बात है। यह था सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। एंड यू बिलीव इट, उस चौथे टेस्ट मैच में 241 रन उन्होंने बनाए, लेकिन एक बॉल को भी ऑफ साइड की उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। और पूरे मैच में लगभग 300 के आसपास रन बनाया, ऑस्ट्रेलियन टीम उसको आउट नहीं कर पाई। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा वीक पॉइंट है। इतने ग्रेट बैट्समैन, वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स में नाम आता है, लेकिन अपने ईगो को उस वक्त अपने पॉकेट में डाला कि नहीं, ये वीक पॉइंट है, इसको पहचानो, इस पे काम करो, इसको होल्ड करो। एंड दैट वॉज सो फाइन इनिंग, द सो फाइन इनिंग कि लगभग आज 20 साल बाद भी उनकी इस इनिंग की चर्चा होती है। बहुत रन बनाए उन्होंने, बहुत रन बनाए, लेकिन वो जो उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी कमी को ऑब्जर्व किया, अपनी वीकनेस को पहचाना, दैट वॉज आउटस्टैंडिंग। कुछ हमें भी अपने आने वाले एग्जामिनेशन में नीट 2022 के जो बच्चे भी एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही हमें भी अपने वीक जोन और स्ट्रॉन्ग जोन को पहचान करके उन पर काम करना होगा। कैसे करना होगा चलो बता दो। सबसे पहली बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें किसी सब्जेक्ट में, कुछ चैप्टर में, कुछ टॉपिक में वीक पॉइंट्स हैं। इट्स वेरी वेरी फेयर, इट्स ओके टू हैव वीक पॉइंट्स। भगवान नहीं है हम सब इंसान हैं, वीक पॉइंट्स होंगे, एक्सेप्ट करना है, उन पर काम करना है, घबराना नहीं है। करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री सब्जेक्ट मैंने उठाया, केमिस्ट्री में चैप्टर मैंने खोला एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मुझको लगा एवरीथिंग इज ओके, बट ये जो क्वांटम नंबर्स निकालने वाली थोड़ी सी बात है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझको क्लियर नहीं है, एक्यूरेसी बढ़िया नहीं है, मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। नोट डाउन कर लिया, एक तरफ वीक पॉइंट, एक तरफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। नेक्स्ट चैप्टर आया, देखता है इन नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर में मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में दिक्कत होती है, नोट डाउन कर लिया कोऑर्डिनेशन नंबर वीक पॉइंट। फिर ऐसे करते करते पूरे चैप्टर में हर एक टॉपिक पे देखा भाई क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, और उसको सेपरेट आउट किया। सिमिलरली हम फिजिक्स में आते, डायमेंशन एरर कोई दिक्कत नहीं, हवा कर दिया एकदम। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं वेक्टर्स, एवरीथिंग इज ओके। काइनेमेटिक्स से पहुँचे, मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन की बात हो रही है, कुछ गड़बड़ है, दिक्कत है, वीक पॉइंट है, मार्क कर लिया। ऐसे करते करते हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर के मैंने वीक स्ट्रॉन्ग पॉइंट को सेपरेट आउट कर लिया। एंड फर्स्ट कंडीशन मैंने ये देखा कि 60-40% का रेशो आता है, 60% मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं पूरे मिलाकर के, 40% मेरे वीक पॉइंट्स हैं। इन 40% वीक पॉइंट्स को हमें क्या करना है, क्या छोड़ना है या फिर इन पर वर्क करना है, सुनो क्या करना है। हमारे पास अभी एग्जामिनेशन में टाइम है, अच्छा खासा वक्त हमारे पास है। अभी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, बट फिर भी अच्छा खासा वक्त हमारे पास है। ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं लगभग 60%, हमें इनको जैसे कर रहे थे, जिस मेहनत से, जिस लगन से, वैसे ही करेंगे और अच्छे से करेंगे, एकदम 100% का एक्यूरेसी आ जाए, कोशिश सर यही करेंगे हम लोग। जो वीक पॉइंट्स हमारे बच गए हैं, जो हमारे वीक जोन है हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में, उनको उन 40% को मैंने देखा, उठाया, उन पे जमकर मेहनत किया,
कि ये वीक पॉइंट्स हम उसको परेशान करेंगे। मान लो अगले जो वक्त हमारे पास बचे हैं, जितने वक्त भी हमारे पास बचे हैं, इस वक्त में हमने उस 40% का आधा कवर कर लिया, उन आधे वीक पॉइंट को ठीक ठाक मैंने कवर कर लिया और लगभग स्ट्रॉन्ग जोन में लेकर चले हैं, बट वी हैव टू डू वर्क हार्ड फॉर इट। हम उसको लेते आते तो 60% वो हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पहले से थे और ये जो आधे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने मेहनत करके बना लिए हैं, तो टोटल अच्छे खासे पोर्शन तुमने कवर कर लिए जो तुम्हारे सब्जेक्ट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो चुके हैं। अब जब तुम एग्जामिनेशन में जाओगे तुमको सबसे बड़ा फायदा ये होगा, तुम्हारे दिमाग में क्लियर रहेगा कि यार ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैंने चेक किया था, इसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, एक्यूरेसी बढ़िया है, ये मेरा जोन है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ऑन दी अदर हैंड एक क्वेश्चन देखा, यार ये मेरा वीक जोन था, मैं जब करता था तो ये मुझको परेशान करता था, एक्यूरेसी बढ़िया नहीं है, मुझको इस जोन में इंटर फिलहाल नहीं करना है, लेट अस गो अहेड। इट विल मेक यू क्लियर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो भी बच्चे नीट 2022 में अपीयर हो रहे हैं उन सब के लिए एक मैसेज है, सबसे पहले इसको सेपरेट आउट करो कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, तुम्हारे वीक जोन क्या है। इस वीक जोन पर मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, और वक्त हमारे पास है, अगर हम मन से करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, इस वीक जोन को भी स्ट्रॉन्ग जोन में कन्वर्ट हम कर सकेंगे। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ कि मोर इम्पॉर्टेंटली इट विल मेक यू वेरी वेरी क्लियर कि कहाँ पे तुमको अटेम्प्ट करना है, कहाँ पर तुमको आगे बढ़ जाना है। तो आज तुम सबको बस यही मैं मैसेज देना चाहूँगा, जो बच्चे भी नीट 2022 में अपीयर हो रहे हैं, इस बात को पहचानो, अपने वीक पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे मेहनत करो और सपेट आउट करो, देखो कहाँ पर हम फंस रहे हैं, कहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ही बोलते हैं बच्चों स्मार्ट प्रिपरेशन। पढ़ते सब हैं, अगर रैंडमली नहीं पढ़ना है, एक प्लान बना करके स्मार्टली प्रिपरेशन करना है, बाकी जो होगा सब अच्छा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो बच्चे भी नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जामिनेशन अपेयर हो रहे हैं, वो अभी से आज से ही सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज इस वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को सेपरेट आउट करेंगे और ज़रूर इसको पहचानेंगे कि हमको कैसे इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है और कैसे इसको मुझको रेक्टिफाई करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए फिजिक्स के नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक अपनी प्रिपरेशन को ऐसे बढ़िया से मेहनत से कंटिन्यू करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।